अदरक नींबू शिमला मिर्ची ये काट देना भाई। Alright, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to Padle 10thies. और आज इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे टर्म टू के सिविक्स का एक चैप्टर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल वन शॉट में बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो समझने वाले पार्ट है तुम समझ लोगे, बट जो याद रखने वाले पार्ट है कुछ डेट्स हैं वो तो तुमको याद रखनी पड़ेगी। चलो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, अगर तुम लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज तुम लोगों को नहीं पता है कि क्या क्या होने वाले चैनल के ऊपर, तो एक चीज तुम लोग बता दूं, इस चैनल के ऊपर अब से टर्म टू के लिए एक एक सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी, ठीक है, कराई जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट तुम्हारा टर्म टू का यहां पर होगा, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी टर्म टू की प्रिपरेशन तुम्हारी इस चैनल के ऊपर भी हो रही होगी, ठीक है, तो तुमको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी हम पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम पहले नए आए हो इस चैनल के ऊपर, ठीक है, नहीं मतलब अभी अभी आयो तो तुमको इस चैनल की वाइब पता नहीं होगी। इस चैनल के ऊपर हम लेक्चर अक्सर नहीं पढ़ाते, इस चैनल के ऊपर हम ना जैसे दोस्ती वाली भाईचारे वाली बातचीत करते हैं, और फिर उसका बाय प्रोडक्ट है कि तुम पढ़ लेते हो, ठीक है। तो तुमको ऐसे मस्ती मजाक में थोड़ा बहुत ऐसी कहानी के फॉर्म में तुमको सारे लेक्चर मिल जाते हैं, और तुम ऐसे बहुत ही अच्छी फील के साथ देख लेते हो, तुमको पता भी नहीं चलता कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पर तुम्हारी पढ़ाई हो जाती है। तो मैं तुमको आधे घंटे का एंटरटेनमेंट या एक घंटे का एंटरटेनमेंट, जितना बड़ा भी लेक्चर होगा, जितना भावुक में हो जाता हूं उस हिसाब से मैं तुमको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाता हूं कभी कभी, तो मैं लेक्चर दो घंटे का भी खींच देता हूं, और कभी कभी भावुक नहीं होता हूं तो मैं आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस करते हैं। तो भैया सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? अरे भैया अपने देश के अंदर देखो, इस चैप्टर को तुम बहुत प्रैक्टिकली एग्जामिन कर पाओगे, बहुत सारी चीजें मैं तुमको बता नहीं पाऊंगा, पर तुम लोग ये जानते हो, ये अंडरस्टूड होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अंडरस्टूड होती है, जो तुमको भी पता है मुझे भी पता है, पर हम बात नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों के बारे में। एनीवे, पॉलिटिकल पार्टी का हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं बेसिकली बोलूं तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में आते हैं और कंटेस्ट इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है। फिर जो मतलब ये दो मेन पार्टी है, काफी सारी पार्टीज है, तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है? ये सब ग्रुप ऑफ पार्टीज है। कुछ पार्टीज का ग्रुप है, मतलब सॉरी कुछ लोगों का ग्रुप है, उन लोगों के ग्रुप ने क्या बनाया, एक पार्टी बनाई और वो इलेक्शन में भाग लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर जीत जाता तो गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसे अभी बीजेपी चला रही है, ठीक है। इट इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। विजिबल मतलब कि भाई ये सबसे ज्यादा दिखती है, ये जो चीज है पॉलिटिकल पार्टी, ये सबसे ज्यादा दिखती है। अगर तुम किसी गांव में जाओगे, वहां पे पूछोगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो घबरा जाएंगे, उनको नहीं पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, या हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानकारी होती है। पर जहां तुमने बोल दिया बीजेपी, हां सबको पता है कि बीजेपी क्या है, जहां तुमने बोल दिया आम आदमी पार्टी, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी क्या है, जहां तुमने बोल दिया कांग्रेस, वहां पर सबको पता है कि कांग्रेस क्या है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत विजिबल होती है, ठीक है, लोगों को बहुत दिखती है, क्योंकि सब जगह में यही देखे रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत विजिबल होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों को यह नहीं पता कि कुछ लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं या फिर गवर्नमेंट बना रही है या फिर क्या कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक पार्टी जो है वो देश को चला रही है, तो वो पार्टी बहुत विजिबल होती है, ठीक है, मतलब लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा दिखती है वो। चलो क्या क्या भाई पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट मतलब भाई जैसे फोन का कंपोनेंट होता है, कैमरा, डिस्प्ले, ये सारी चीजें, तो वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सबसे पहली बात द लीडर्स, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं वो फेस होते हैं, ठीक है, जैसे लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो हो गया लीडर्स, मतलब जो एक्चुअल दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है मार्केट में, जो दिख रहा है लोगों को वो लीडर्स हो गए। फिर अंदर होते हैं एक्टिव मेंबर, जो कि एक्टिवली पार्ट लेते हैं, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, तो वो सब क्या है, दिखते नहीं है, पर वो पार्ट लेते हैं, वो पीछे के बैकएंड का सारा काम संभालते हैं। और फिर हो गए फॉलोअर्स, जैसे कि फैंस हो गए, जैसे कि एप्पल के फैंस हो गए, विंडोज के फैंस हो गए, तो सब क्या है, फैंस, फॉलोअर्स, ठीक है, तो जो उनको फॉलो करते हैं, बहुत ही बढ़िया। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या होता है, देखो चार फंक्शन होते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में भाग लेना, दूसरा होता है प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, ठीक है, तीसरा होता है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैं तुमको ज्यादा वैसे तुमको पता है भाई, मैं ऐसे चिल करके के पढ़ाता हूं, तुमको ऐसे बिल्कुल लोड नहीं देता, तो ऐसे सुनते जाओ, बस तुम सुनते जाओगे तुमको समझ में आता जाएगा। क्या भैया, एक तो इलेक्शन में पार्ट लेना है, ऑब्वियसली बात है, दूसरा कि अगर मैं पावर में आ जाऊं तो मैं डिसाइसिव, मतलब कि मैं डिसीजन ले सकता हूं कुछ रोल्स के ऊपर, डिसाइसिव का मतलब, ठीक है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मतलब मैं जो देश है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ला सकता हूं। फिर एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी तो उसको लोगों तक कौन पहुंचाएगी, ये पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाएगी, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे सारी चीजें होती है, बहुत ही बढ़िया। और अब देखो कुछ चीज, तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। भाई देखो ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बट तुमको पता है कि किस लेवल का इन्फ्लुएंस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लोगों के ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ बोल दिया तो लोग उसको सच मान लेते हैं, किसी दूसरे ने कुछ और बोले तो लोग उसको, मतलब जो जिसका फॉलोअर होता है वो उसकी बात मानता है। तो इसका मतलब कि जो पार्टीज हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करके, मतलब पब्लिक क्या सोच रही है वो कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। मतलब सोचो तुम कितनी पावरफुल चीज होती पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, पार्टी जो होती है वो पार्टीज फॉर्म, जो गवर्नमेंट है वो पार्टीज ही बनाती है, और गवर्नमेंट को कौन चला रहा है, पार्टीज ही चला रही है, ठीक है।
लूजिंग पार्टी प्लेज द ओपोजिशन, मतलब कि जो जैसे जो पार्टी है, अब जैसे एक पार्टी जो है वो जीत गई और दूसरी जो पार्टी होगी वो ओपोजिशन का काम करेगी, मतलब कि ये जो रूलिंग पार्टी है उस पर क्वेश्चन लगाएगी कि तुम ये कौन सा काम कर रहे हो, तुम ढंग से काम नहीं कर रहे, तुम ये काम नहीं कर, तुम वो, किसी ना किसी को सवाल तो करना पड़ेगा। अगर कोई सवाल ही नहीं करेगा तो कोई भी पार्टी अपनी मनमानी चलाएगी, ठीक है। तो ये जो है जो लूजिंग पार्टी, जो ओपोजिशन पार्टी होती है, वो क्वेश्चन करती है, वो सवाल जवाब करती है, भैया ये कहां है, ये क्या क्यों नहीं, ये कब करोगे, ये कब करोगे, ठीक है। तुमने बहुत सारे मीम भी देखे होंगे, ठीक है भाई। मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है, बहुत फील आती है, क्योंकि ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते कि कोई ना कोई क्वेश्चन कुछ होता ही रहता है किसी ना किसी पार्टी में, ठीक है। एनीवे, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है? अरे यार एक तो ना देखो, मैं तुमको सच्ची बात बताता हूँ, मैं अभी अभी शैम्पू करके आऊँ तो मेरे बाल थोड़े से लहरा रहे हैं हवा में, पर कोई बात नहीं। अभी हमारा मेन टास्क पॉलिटिकल पार्टीज पे ध्यान देना है। पहले सब्जी वाली आंटी को निकल जाने देता हूँ। अदरक नींबू शिमला मिर्ची ये काट देना भाई। पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, अब देखते भैया इनकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत पड़ी। देखो अब देखो, समझो कि हमको भैया क्या कैसे बोलूं कि हमको खाना खाने की क्या जरूरत है, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई एक काम करो, खाना पीना छोड़ दो, खाना पीना मतलब छोड़ो मत, पर ऐसा इमेजिन करो कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया तो तुम्हारे साथ में क्या क्या होगा। अरे भैया हम तो चल भी नहीं पाएंगे, हम तो उठ भी नहीं पाएंगे, हमारी तो बॉडी वीक हो जाएगी। तो मतलब तुम जो चीज की जरूरत है उस वो अगर नहीं है, फिर हम इमेजिन करते कि क्या क्या सीनरी होगा। तो अभी के लिए इमेजिन कर लेते कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, उस केस में क्या सीनरी होगा। भाई हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होगा इलेक्शन के अंदर, मतलब अभी तो देखो हजार लोगों की एक पार्टी खड़ी हुई है एक बनके इलेक्शन के अंदर, तब हजार अलग अलग लोग खड़े हो रहे होंगे, मतलब 120 करोड़ में से 1,00,000 तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। तो मतलब तुम सोचो कि 1,00,000 लोग तो इलेक्शन में खड़े हो गए, अब तुमको क्या पता चल रहा है कि किसको वोट दो किसको नहीं दो, किसको क्या दो, समझ भी नहीं आएगा, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि एक पार्टी एक डिसीजन बना रही है और दूसरी पार्टी उसको अपोज कर रही है, ठीक है। तो एक पार्टी ने डिसीजन बनाया, दूसरी ने अपोज किया, उस टाइम पे हजार लोग होंगे, तो हजार लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं 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 इसको ऐसे मत करो, ऐसा तुम सोचो कि ये वॉल है, अब इस वॉल को मुझे ब्लैक पेंट करना है, रेड पेंट करना है, ब्लू पेंट करना है, ग्रीन, कौन से कलर को पेंट करना है। तो अगर दो पार्टी डिसीजन ले रही है तो इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि एक पार्टी ने बोला ब्लू कराओ, दूसरे ने बोला ग्रीन कराओ, तो दो में ही कंफ्यूज हो रहा है। पर सोचो कि हजार लोग अगर खड़े हो गए तो कोई बोलेगा इसको मैजेंटा कलर कराओ, कोई बोलेगा ग्रीन कराओ, कोई बोलेगा बेज कराओ, ठीक है, कोई और रहीस कलर बोलेगा तो और महंगा कलर कराना पड़ जाएगा, तो समझ में आएगा कि कलर कौन सा कराना है, ठीक है। तो पेंटर को क्या बोलेंगे आप, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लिमिटेड रहती है, इसका मतलब कि मैं जहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं खड़ा हो गया इलेक्शन में, ठीक है, कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं, मैं खड़ा हो गया अपनी कॉलोनी से कि यार चलो मैं इलेक्शन में, मुझे वोट दो, ठीक है, हमारा नेता कैसा हो, प्रणय भैया जैसा हो, तो अब मैं खड़ा हो गया इलेक्शन के अंदर, तो मैं सिर्फ अपने रीजन के लिए अकाउंटेबल हूं, ठीक है। मान लो दूसरे रीजन में कुछ हो गया तो मैं बोल देता भैया मेरा कोई लेना था नहीं, मुझसे आके बात मत करो इस बारे में, यहां अगर कोई समस्या आ रही तो मेरे पास आ जाओ, अगर दूसरी कॉलोनी में, दूसरे वार्ड में, दूसरी जगह पर कोई समस्या आ रही तो मैं उसके लिए जवाबदारी, मेरी उसको जवाबदारी नहीं। तो भाई ऐसे तो कोई एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नहीं, सब अपने अपने तरीके से, तो मैं अपनी कॉलोनी को अपनी कंट्री बना लूंगा, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, अलग अलग लोग अगर रहेंगे, अलग 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 मतलब अलग अलग जगह से अगर मैं लड़ रहा हूं, मतलब मान लो कि मैं यहां से लड़ रहा हूं, तो मैं सिर्फ यहीं के लिए अकाउंटेबल हूं, तो पूरे देश के लिए अकाउंटेबल कौन होगा अगर पार्टी ही नहीं हुई तो, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंट्री को देखने के लिए, ठीक है। अब देखते भैया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज जो होती है, देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, डिफरेंट व्यूज ऑफ सोसाइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एजेंसी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी पार्टी जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करती है, हर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती है, तो वो मान्यताएं कहां से आई, एक ग्रुप ऑफ पीपल की, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा कर लूं जो कि बोले कि यार हमको ना छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो मैंने स्कूल में ना ऐसे मान लो कि स्कूल में से 50 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उनका लीडर बन जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं तुम सबके लिए लड़ूंगा, ठीक है, और जाऊंगा प्रिंसिपल सर के पास, बोलूंगा कि हमको छुट्टी दे दो, हालांकि फिर हमको वहां से डांट खा के बाहर निकाल देंगे। खैर ये अलग एग्जांपल हो गया, मैं तुमको बस समझा रहा हूं कि ठीक है, मैं तुमको समझा रहा हूं कि एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ लोगों को लेके उनकी जो समस्याएं हैं या उनके व्यूज हैं, उनके जो थॉट्स हैं अलग अलग सोसाइटी के लोगों की, उनको एक करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 50 बच्चे प्रिंसिपल सर के गेट के बाहर जाएं वो काम की चीज नहीं है ना, सिर्फ मैं एक अकेला लीडर बनकर चले जाऊं वो एक अच्छी काम की चीज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर भी 50 से मिलकर सिर्फ मुझसे मिलकर एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सकती है इसमें। लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेशन एंड दस रिप्रेजेंटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर 100 लोगों की इच्छा है कि भाई स्कूल की छुट्टी लग जाए तो 100 के 100 लोग तो जा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात है रिप्रेजेंटेशन तो रिप्रेजेंट तो किसी को करना पड़ेगा। तो अगर मैं लीडर बन गया तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कोई और बन गया 3-4 लोगों का ग्रुप एक लीडर बन गया तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, बजाय कि पूरे के पूरे 100 चले जाए, ठीक है। पॉलिटिकल हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, देखो
तीन अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं पॉलिटिकल में, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, नाम समझ में आ रहा है भैया, वन पार्टी सिस्टम मतलब जिस कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी का काम होगा, दो पार्टी मतलब जिसके अंदर सिर्फ दो पार्टी होंगी, और मल्टी पार्टी मतलब जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीज होंगी। ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को गवर्नमेंट कंट्रोल करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही है, तुम कुछ भी कर लो, पार्टी तो वही रूल करने वाली ना, तो ये डेमोक्रेसी कैसी हो अच्छी वाली। ठीक है, एग्जांपल चाइना, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी होती है तो वही रूल कर रही होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। टू पार्टी सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ दो पार्टी, दो मेन पार्टी जो है वो लड़ रही होती है आपस में। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक जीतने वाली होती है, ये पता रहता सबको, तो दो मेन पार्टीज होती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसे यूएसए हो गया और यूके हो गया, इनके अंदर टू पार्टी सिस्टम होता है। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज है। ठीक है, जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज है। ठीक है, शहर शहर में अलग एक पार्टी खुली हुई इंडिया के अंदर। ठीक है, तो मोर देन टू पार्टीज कंपीट फॉर पावर। ठीक है, और अगर मान लो कि इसमें बहुमत की सरकार यानी मेजोरिटी की सरकार नहीं होती है, तो दो पार्टीज कोलिशन बना लेती है। ठीक है, दो पार्टीज या दो या दो से ज्यादा पार्टीज कोलिशन बना लेती है, एक ऐसा समझो कि एक संगठन बना लेती है। ठीक है, हम सब मिलकर थोड़ा सा कर लेंगे काम, वैसा अलग कुछ समझौता कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, टीएमसी है। ठीक है, तो ये इंडिया एक एग्जांपल होगा मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो इनमें से बेटर कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि भैया यार मेरी बात सुनो, कौन सा बेटर हो सकता है, कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखो यार, इसके ऊपर हम ना ऐसे बैठ के चर्चा नहीं कर सकते कि वीडियो के अंदर, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। सालों साल से हम देखते हैं कि भैया हिस्ट्री क्या रही है हमारी कंट्री की। ठीक है, लोग किस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस चीज के लिए। पता चला कि मुझे तो बहुत सही लग रहा है कि हाँ चलो टू पार्टी सिस्टम कर देते हैं, और पता चला एक भी इंसान ने एंटरटेन नहीं किया मुझे, सबने भगा दिया मुझे। ठीक है, तो मेरे कचरे हो जाएंगे फिर। तो इसका मतलब कि पार्टी जो कौन सी पार्टी का सिस्टम होगा वो बहुत लंबी प्रोसेस है, वो ग्रेजुअली समझ में आती है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम, वैसे यूएसए यूके में वाला सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा, किसी और कंट्री में वाला सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा। तो मेन तो काम अच्छे से होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10,000 पार्टी लेके आओ या फिर एक पार्टी या दो पार्टी या पांच पार्टी लेके आओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो एक चीज समझा दो तुमको, मुझसे अगर तुम सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो तुमको हमेशा से पता होगा कि तरीका क्या है। मैं जो जो कहानी तुमको बताऊं हिंदी भाषा में वो तुम सुनो, और जैसे मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं वैसे तुम पॉज करके स्लाइड को एक बार रीड कर लो पूरी तरीके से। अगर तुम ऐसा कर ले तो तुमको समझ में भी आ जाएगा और तुमको याद भी रहेगी चीजें, तुमको समस्या आएगी नहीं जीवन के अंदर। पर अगर तुम सिर्फ मेरी कहानी सुन के आगे बढ़ते जा रहे हो तो उससे होगा क्या कि तुमको समझ में सब आ जाएगा, पर एक्चुअली तुमको लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, अभी वही पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, वो तुम नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो नेशनल पार्टीज, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज, ये दो तीन टाइप की पार्टीज होती है। नेशनल पार्टी मतलब कि देखो हर एक नेशनल पार्टी को ईसी के साथ, ईसी मतलब क्या है भैया, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के साथ में रजिस्टर होना पड़ता है सबको। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो, वैसे ये जितनी पार्टीज होती है नेशनल पार्टीज, इनको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, देखो जो कमीशन है वो सारी जो पार्टीज है उनको इक्वली ट्रीट करती है, पर जो रिकॉग्नाइज पार्टीज है, जो बड़ी पार्टीज है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे कि लेट्स से कि कोई स्कूल है उसके अंदर सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, वैसे तो सबको ही सेम लेक्चर सेम सब कुछ मिल रहा है, पर जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको किसी टीचर थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे देता है ना कि बेटा आप है ना छुट्टी के बाद आया ना मुझसे ये लिख के ले जाना। ठीक है, तो वैसा यहां पे भी होता है कि जो रिकॉग्नाइज पार्टीज होती है जिनको सब लोग जानते हैं, जो बहुत पॉपुलर पार्टीज होती हैं, उनको स्पेशल थोड़ी सी फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है, दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, सबको एक यूनिक सिंबल मिल जाता है। ठीक है, जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मॉनिटर का सिंबल मिल जाता है, प्रीफेक्ट का सिंबल मिल जाता है, वैसे इनको एक अलग सिंबल मिल जाता है, जैसे कमल का हो गया, हाथ का हो गया, झाड़ू का हो गया। ठीक है, दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, क्या बोलते हैं इनको, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तुम ये रीड करते चलना भाई, मैं सब कुछ रीड करके एक लाइन समझा नहीं रहा हूं, मैं वाला काम नहीं करता, मैं तुमको कहानी बताने का काम करता हूं। ठीक है, ताकि तुमको हिंदी भाषा में सब अच्छे समझ में आता जाए। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइज पार्टीज, अरे भैया रिकॉग्नाइज पार्टीज का क्या क्राइटेरिया, मतलब अगर मुझे अच्छा बच्चा बनना है टीचर्स की नजरों में तो क्या क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया हो सकते हैं कि भैया मुझे स्पोर्ट्स में इतना अच्छा होना चाहिए, मेरे कम से कम सारे सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कुछ क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो वैसे ही रिकॉग्नाइज पार्टी होने के लिए क्या क्राइटेरिया, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि या तो 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस हो या फिर 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स हो। ठीक है, अब ये तो रीड करने वाली चीज है। पहली बात देखो, दो क्राइटेरिया है मेनली, दो क्राइटेरिया, ये तो पक्का ही होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 4 सीट तो लोकसभा के अंदर होनी चाहिए, और जो दूसरा क्राइटेरिया है ये वाला, इसके अंदर इन दोनों में से कोई भी एक हो तो चलेगा। मतलब मान लो कि अगर मेरे पास ये वाला क्राइटेरिया और ये वाला क्राइटेरिया हो तो भी डन है, चलेगा, या फिर मेरे पास में ये वाला हो और ये वाला हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये वाले और ये वाले में से मुझे कोई सा एक ही होना है, दो हो तो भी मस्त बात है, अच्छी बात है, पर ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्या है भैया, 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर मिनिमम 6% वोट्स होने चाहिए मेरे पास में, और असेंबली इलेक्शन होते हैं मेरे पास में 4 स्टेट्स के अंदर, असेंबली इलेक्शन जो है उनमें 6% मिनिमम वोट्स होने चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे ज्यादा हो तो चलेगा पर इससे कम में मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये हो जाए विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा तो मुझे रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया, हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर मेनली हैं। ठीक है, तो देखो
तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से ना देखो धीरे धीरे चीजें अपडेट होती जा रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में थोड़ी सी चीजें हो सकती है पुराने लिखे हो, बट एनीवे हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो हमारे पास में नेशनल पार्टीज कौन कौन सी, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बीजेपी है, सीपीआई, बीएसपी, एनसीपी, आईएनसी, एआईटीसी, सीपीआईएम और आप भी है, ठीक है। आपका यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो अभी एनसीईआरटी थोड़ी सी हो सकता है अपडेट वगैरह ना हुई हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते भैया एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी, इट वाज लॉन्च इन 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, ठीक है। भैया इंडिया के अंदर एक बहुत ही चीज होती है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको भी हमारे रिश्तेदार का नाम दे देते हैं, जैसे तुमने दीदी सुना होगा, मामा जी सुना होगा, ठीक है ठीक है। तो तुमको पता होगा कि क्या है वाइब है, क्या वाइब नहीं है, ठीक है। मैं तुमको ऐसी थोड़ी मस्ती मजाक में बता रहा हूं भाई, ठीक है। वरना जनरली इस टाइप के चैप्टर से ना बहुत सीरियसली पढ़ाया जाता है, पर हमको पता है कि हमको वैसे फील चाहिए नहीं, हमको मजा आना है भाई, जीवन के अंदर चिल होना चाहिए, ठीक है, थ्रिल होना चाहिए, मजा आना चाहिए, वाइब आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो मोह माया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऑल इंडिया। तो ये जो है, अब देखो यहां पर सिर्फ डेटा वाली चीजें और याद रखने वाली चीजें, तो ये मैं तुमको ज्यादा समझाऊंगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, नाम है तुम याद रखना। एआईटीसी तुमको पता ही होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में मेनली इसमें ये पावर में है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन 2016, ठीक है। तो हैज बीन इन पावर इन बंगाल सिंस 2011 और फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, ठीक है। ये कांशीराम है, कांशीराम। तो तुम ये जो नाम है ना, ये डेट्स, ये सब याद रख लो अच्छे से। ये याद रखने का तरीका क्या है कि तुम सारी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पार्टिकल पार्टी तुमको इंसर्ट में दे रखी है, सबको एक 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 पेपर लो, ठीक है, सबको सबका एक पेपर लो और सबके नाम लिख दो और सबकी डेट, लीडर और उनका जो मेन व्यूज है कि भाई इनकी ये पार्टी क्यों बनी या फिर इनका इनकी क्या मान्यता है, वो लिख दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक पेज के अंदर या दो पेज के अंदर तुम्हारे पास में पूरा जो चैप्टर का मेन जो सार है वो समाप्त हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर्स फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासी, ओबीसी। इसका जो मेन बेस है वो है यूपी के अंदर, बहुत ही बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो भी की रूलिंग पार्टी है, 1980 में हुई थी बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइज संघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो है उसको वापस से रिवाइव किया जाता, रिवाइव किया गया था और ये नाम दिया गया था भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इनकी क्या मान्यता है कि ये एक स्ट्रांग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं और जो पुराने कल्चर को साथ में लेते हुए, मतलब एंड ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर्स एंड वैल्यूज, मतलब जो पुराने कल्चर्स है, पुरानी वैल्यूज है इंडिया की, उनके हिसाब से, उनके साथ में वहां से आइडियाज लेके एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s के बाद में लोगों ने काफी सपोर्ट करना चालू किया। फिर थोड़े टाइम के बाद में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए पावर में, फिर उसके बाद में अभी तो ये पार्टी पावर में है ही से 2014 से। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ एनडीए, इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी इन 2014। 2014 में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, ठीक है, बहुत पावरफुल और बहुत ही पार्टी, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इट वॉज फाउंडेड इन 1925। इनका मतलब ये दे बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ठीक है, ये थोड़ा सा बोलने में मेरी टंग से बजाती है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड त्रिपुरा, यहां पर इनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। फिर एक है सीपीआई और एक है सीपीआईएम, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का मतलब मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट में क्या हो गया हमारे पास में, फाउंड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इट अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। इंपीरियलिज्म मतलब जो ब्रिटिशर्स ने किया और कम्युनलिज्म मतलब कि कम्युनिटी में डिवाइड कर करके लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड करना, ये इसके अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये याद हो गया तुमको सीपीआई, तो सीपीआईएम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, 34 सालों से ये पार्टी पावर में रही है वेस्ट बंगाल में बिना किसी ब्रेक के। अब आती है हमारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हमारे पास में बीजेपी है, हमारे पास में सीपीआईएम है, हमारे पास में सीपीआई, तो हमारे पास में सारी पार्टी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या क्या दिखा हुआ है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, 1885 में फॉर्म हुई थी। बेसिकली जो आईएनसी की जो टास्क था मेन, वो इंडिया को आजाद कराने का था, बाद में काफी डिकेड्स तक, काफी अलग मतलब काफी डिकेड्स तक, सेवरल डिकेड्स तक इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में ये पार्टी मेजॉरिटी रोल में रही है, ठीक है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, बहुत लंबा टाइम, बहुत ज्यादा लंबा टाइम, 2014 तक भी कांग्रेस ही थी पावर में, उसके बाद में फिर बीजेपी आ गई। लार्जेस्ट पार्टी इन 2004 लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इट वॉज फाउंड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो उसमें एक स्प्लिट हो गया, मतलब उसमें से एक टुकड़ी बाहर निकल गई और उस टुकड़ी ने अपना नाम दे दिया एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और 1999 में एक अलग पार्टी बन गई, मतलब कांग्रेस से थोड़ी सी अलग होकर अलग पार्टी बन गई। इट प्रमोट डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, ठीक है, जो गांधी जी की वैल्यूज थी उनको ये ज्यादा सपोर्ट करती है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूपीए इन 2004, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट पार्टीज, अच्छा हाँ, दो टाइप की हमारे देखा, एनडीए देखा और यूपीए देखा। तो एनडीए और यूपीए का जो फुल फॉर्म हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और साथ में
ये भी बताओ कि इनके कौन कौन सी पार्टीज इनके अंदर आती हैं, ठीक है? चलो बहुत सही, स्टेट पार्टीज देखते हैं। स्टेट पार्टीज मतलब इनको हम रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं, जो अभी हमने नेशनल पार्टीज देख ली, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, कुछ पार्टीज ऐसी जो कि सिर्फ स्टेट लेवल पे काम करती हैं, ठीक है, उनको हम रीजनल पार्टीज बोलते हैं, क्योंकि उस रीजन या फिर उस स्टेट के लिए ये ज्यादा काम करती है। ये जो है नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि जब मान लो कि एक बहुमत की सरकार नहीं बनती है, तब हमने क्या देखा था कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो उस केस में इन रीजनल पार्टीज के साथ में ही अलायंस बनाया जाते हैं, ठीक है। तो जो नेशनल पार्टीज हैं वो भी इन रीजनल पार्टीज के साथ में ही अलायंस बनाती है, ठीक है। और एग्जांपल क्या होगा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एक्सेट्रा। अब देखो देखते हैं कुछ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी चैलेंज होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई देखो दूर से ऐसा लग रहा है कि भैया ये कंपनी बहुत सही काम कर रही है यार, क्या बात है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, पर उसके अंदर हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। तो सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, मतलब कि इंटरनली पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब जो पार्टीज के लोग हैं, जो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी उस पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स, जो भी उसमें जो भी उसके वो है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो जो भी है, ठीक है, तो वो जो लोग हैं, हो सकता है कि वो आपस में डेमोक्रेटिक ना, वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक सीन है। फिर इसके अंदर डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब नेपोटिज्म, तुमको पता बॉलीवुड में क्या होता है कि भैया जो कोई बड़ा सुपरस्टार है उसी का बेटा या उसी की बेटी वापस से उस हाइट पे आ जाए, उस मार्क पे आ जाए। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकता है कि जो बड़े लीडर्स हैं उनके जो चाचा भतीजे भांजे हो गए, उनके बेटे हो गए, बहू हो गए, जो भी हो गए, तो वही जो है अपने अपने रिलेटिव्स को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं टॉप में रखने के लिए, ठीक है। मनी और मसल पावर का यूज होता है इलेक्शन का, तो देखा है भाई वोट खरीदे जाते हैं, लोगों को फोर्स किया जाता है कई बार वोट करने के लिए, तो ये बहुत ही गंदी चीज है। मतलब हम चाहते हैं कि यार सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। पार्टीज डोंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, तो यार इसके कारण देखो क्या तो बहुत सारी पार्टीज खड़ी हो गई। अब हमको समझ भी नहीं आ रहा कि किस पार्टी को वोट दे, क्योंकि हमको ढंग से बताया ही नहीं गया कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सी पार्टी क्या नहीं कर रही है। हमको तो बस बाहर बाहर से जो दिखता है वही पता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत न्यूज में दिख जाता है वो पता है, या फिर जो लोग आसपास बात करते हैं उससे पता है, ठीक है। अब हम बार बार यार नाई की दुकान पर बैठ के ये डिसाइड तो कर नहीं सकते कि कौन सी पार्टी रूल करनी चाहिए, ठीक है। हम भले बैठ के बातें जरूर कर लेते वैसे, पर हमको ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, इन डेप्थ नहीं पता कि कौन सी पार्टी क्या काम करे, तो यार एक अच्छी चॉइस नहीं बना पाते लोग। पार्टीज डोंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, ठीक है। हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो देखो अभी तक क्या क्या एफर्ट्स बनाएगा रिफॉर्मेशन के, यार ये जो काम हो रहा है ये सब रुक जाए, मतलब ये जो इल प्रैक्टिसेस हो रही है, जो गंदी प्रैक्टिसेस हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कि इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं है, फिर लोगों को फोर्स किया जा रहा है, डरा धमका के पैसे देके वोट खरीदे जा रहे हैं, फिर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसको ठीक करने के लिए अभी तक क्या क्या चीजें की गई वो देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, मतलब क्या हो रहा था पहले कि भाई जो एमपीज और एमएलए जो इलेक्ट हो चुके हैं वो इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते थे, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया गया जिससे कि मनी और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, हालांकि वो प्रॉपरली ऐसा तो हम इरेज हो चुका है, ऐसा तो कह नहीं सकते, पर कम हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पास इन ऑर्डर मेकिंग नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, मतलब कि पार्टीज के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अलग अलग, उनके इंटरनल इलेक्शन जो है उस वो होना अनिवार्य है, वो होना जरूरी है, और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब तुमको नहीं पता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न मतलब सब लोग फाइल करते हैं, इनकम, मैं भी फाइल करता हूं, तुम्हारे पेरेंट्स भी फाइल करते होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब कि तुम्हारी साल भर में कितनी इनकम हुई और कितने एक्सपेंस हुए, उसका पूरा हिसाब रहता है कि तुमने कितनी कमाई की और कितना हिसाब किया, मतलब कितना खर्चा किया, उस हिसाब से तुमको एक टैक्स भरना पड़ता है सरकार को, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। तो जैसे मेरी इनकम हो गई लेट्स से कुछ भी एक्स अमाउंट, 5 लाख 10 लाख 50 लाख, ठीक है, इतनी थोड़ी, पर फिर भी जितनी भी इनकम हो गई साल भर में, तो उस इनकम का कुछ प्रतिशत मुझे सरकार को एज टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये नेसेसरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ताकि उनकी जो इनकम है कि भाई इनके पास में कितने पैसों की इनकम हुई और कितने इन्होंने खर्चे किए, उसका एक रिकॉर्ड रहे। ऐसा अंधाधुन खर्चा ना हो कि अंधाधुन पैसे आते जा रहे हैं और अंधाधुन खर्चे होते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, किसी के पास कोई हिसाब ही नहीं, ठीक है। सजेशंस दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड, देखो अब देखते कौन कौन से, अब देखो कुछ सजेशन, देखो अभी तक एफर्ट्स देखे हमने कि क्या क्या चीजें हो चुकी है, अब हम सजेशन देते हैं कि ठीक है कि और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अभी तक जो हो गया वो तो हमने देख लिया, और क्या किया जा सकता है। एक लॉ ऐसा बनना चाहिए जिससे इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रेगुलेट होते रहे, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स हो रहे हैं उन पे भी रेगुलेशन रहे, उन पे भी एक चेक रहे, ठीक है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजर्व अ मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। वुमेन इट ये बहुत नेसेसरी होना चाहिए कि पार्टीज के अंदर मिनिमम एक ये नंबर दे रखा हो कि भैया कम से कम इतनी महिलाएं तो होनी चाहिए, इतनी वुमेन तो होनी ही चाहिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो चैप्टर है
ये जो चैप्टर है ये यार इतना ही है, मतलब बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। देखो इसके अंदर मेनली तुमको क्या क्या करना है, एनसीईआरटी अगर तुमने एक बार रीड कर ली, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर तुमने इसके बाद आधा घंटा और दे दिया, तुमने अभी तक कुछ आधा घंटा हो गया होगा, अभी आधा घंटा और देखिए एनसीईआरटी रीड कर ली, तो तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल आर पार हो जाएगा, तुमको फिर जीवन में किसी चीज की समस्या ही नहीं आएगी। तो ये चीज फटाफट कर लेना, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि अब से जो तुम्हारे पास में लेक्चर्स आएंगे, अब चूंकि हमको लेक्चर्स और बढ़ाने, हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो क्या प्लान कर रही है कि तुम्हारे लिए सारे लेक्चर्स हैं ऐसी मस्ती मजाक वाली क्वालिटी के अंदर, क्योंकि ये कोई भी नहीं देता है, ठीक है, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ जो तुम्हारे सोशल साइंस के जो पोर्शन देते हैं कि तुम्हारे पास में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो उज्ज्वला मैम लेंगी, ठीक है। उज्ज्वला मैम बहुत ही ज्यादा मतलब सही पढ़ाती है, मैंने पर्सनली देखा है कि भाई एक नंबर मजा आएगा तुमको पढ़ने में। तो उज्ज्वला मैम ही उज्ज्वला दीदी बोलो, ठीक है, तुम लोग उज्ज्वला दीदी बोलो, जैसे तुमको रूपेणा दीदी बहुत पसंद आई थी, वैसे उज्ज्वला दीदी, जो भी चैनल के ऊपर आएगा ये गारंटी कि तुमको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, तुमको मेरा मजा तो आएगा इसे, पर साथ में ये भी रहेगा कि तुमको ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि यार एक दिन हुआ फिर उसका नहीं, क्योंकि भाई हमको भी रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, एक नन्नी सी जान कितना रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। तो वैसे ही और हम ज्यादा ज्यादा एक्सपांड करें, ज्यादा ज्यादा लेक्चर्स हैं, हिंदी की प्लानिंग चल रही, कंप्यूटर की प्लानिंग चल रही, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ टर्न टू का भरमार होना चाहिए रेडी कि भैया हमको मजा आ जाए इस चैनल से पढ़ के, तो वो चीज तुम लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, और अगर तुमको डिस्क्रिप्टिवली कुछ पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि यार जैसे जो मैंने जो तुमको नाइन्थ में या फिर तुमको अगर ये सारे सोशल साइंस इन सबको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना है, मतलब ये तो वन शॉट हो गए, पर अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुमको और इन डेप्थ पढ़ना है, तुमको डेली होमवर्क भी चाहिए, तुमको वीकली हर वीक टेस्ट वगैरह भी चाहिए, हर वीक तुमको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, मतलब और ज्यादा डिटेल में प्रिपेयर करना है, तो तुम विक्ट्री बैच में कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे तुमको, और यहां पर तुमको नंबर मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा जहां पर तुम कॉल करके विक्ट्री बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, सारी डिटेल्स मांग सकते हो, और वहां पर भी तुम जाकर दवाई मजा सकते हो, यहां पर भी तुम आग लगा रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ये लेक्चर हो चुका है, इसके बाद जो लेक्चर का शेड्यूल है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, अगर तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब कर लो, अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मुझे जाकर @konpranay इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, और parle.in को भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल सारा ज्वाइन कर लेना, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।